नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में लेखक कहते हैं कि नया युग उपभोक्तावाद का युग है। आज सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है, इंसान की जीवन शैली भी बड़ी तेजी से बदल रही है। आज व्यक्ति हर महंगी वस्तु को खरीदना और उनका उपभोग कर लेने को ही अपना सुख मान बैठा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञापनों में लोगों के पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा उत्पादों का प्रचार कुछ इस तरीके से किया जाता है कि लोग बिना सोचे समझे और बिना गुणवत्ता देखे उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं, चाहे फिर वो उनकी जरूरत का सामान हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि पूरा बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां तरह तरह के प्रचार प्रसार का सहारा लेती है। विज्ञापनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ यह उत्पाद खरीद लेने से ही उन्हें सुख और खुशियां मिल जाएगी और अंत में ग्राहक किसी भी कीमत पर उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह ग्राहक पूरी तरह से कंपनियों के बनाए इस जाल में फंसते चले जाते हैं। वैसे विलासिता की चीजों की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है। लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो बाजार में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट उपलब्ध है और हर टूथपेस्ट कंपनी अपने टूथपेस्ट को एक दूसरे से बेहतर बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। कोई टूथपेस्ट कंपनी कहती है कि उनके टूथपेस्ट से दांत मोतियों जैसे चमक जाएंगे, तो कोई कहता है कि इससे उनके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और कोई टूथपेस्ट कंपनी तो अपने आप को ऋषि मुनियों के आयुर्वेदिक गुणों वाला बताकर आपके सामने पेश करता है। टूथपेस्ट के बाद मुंह की दुर्गंध को दूर भगाने के लिए माउथ वॉश करना भी जरूरी है, तो उसके लिए भी एक से बढ़कर एक महंगे माउथ वॉश उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक से बढ़कर एक महंगी कंपनियों के उत्पाद आपको हर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, अब तो हर महीने नए नए उत्पाद भी जुड़ते चले जाते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप नहाने के साबुन की बात करें तो आपको अलग अलग विशेषता वाले साबुन बाजार में मिल जाएंगे। किसी साबुन के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें तरोताजा करने का गुण छिपा रहता है, तो कोई साबुन गंगा जल से बना हुआ अपने आप को बताता है। एक साबुन को तो फिल्म जगत की कुछ अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती का राज बताकर आकर्षित करती नजर आती है। संभ्रांत वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर तो 30 से 40 हजार तक सौंदर्य सामग्री रहती है। कुछ लोग तो पेरिस से भी परफ्यूम मंगाते हैं। यहाँ तक कि पुरुष भी कुछ कम नहीं है, उनके लिए भी बाजार में एक से बढ़कर एक महंगे सौंदर्य उत्पाद उपलब्ध है। इन सभी चीजों के अलावा आजकल हर रोज नए नए फैशन के कपड़े बाजार में आते हैं। आज हर जगह कपड़ों की दुकानें या बूटीक खुल गए हैं। लोग अलग अलग ब्रांड के अलग डिजाइन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। किसी जमाने में समय देखने के लिए 500 से 600 रुपए की घड़ी पहनी जाती थी, लेकिन आजकल लोग 50,000 से 1.5 लाख या उससे अधिक की घड़ी पहनते हुए नजर आते हैं। यही हाल और भी चीजों का है। जैसे संगीत बजाना आए या ना आए, मगर घर में एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर भी काम के लिए कम और दिखावे के लिए ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए 5 सितारा होटल में शादी ब्याह के लिए बुक करा रहे हैं। इलाज करवाने के लिए भी 5 सितारा हॉस्पिटल खुल चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी 5 सितारा स्कूल मौजूद है। लेखक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएगा। लेखक आगे कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार
और कब्र का भी प्रबंध कर लेते हैं, जैसे उनकी कब्र में किस रंग के फूल होंगे, फव्वारे होंगे या नहीं, और संगीत कैसा होगा इत्यादि। लेखक यह सोचकर थोड़ा संतोष करते हैं कि अभी भारत में यह सब नहीं होता है, लेकिन भविष्य में होने लगेगा। लेखक कहते हैं कि सम्मान पाने के कई रूप होते हैं। पहला रूप यह है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से मान सम्मान पाता है, और दूसरा रूप यह है कि व्यक्ति सिर्फ दिखावा करके या दूसरों की नकल करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ दिखावा करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कभी कभी वह हंसी का पात्र भी बन जाता है, लेकिन फिर भी लोग दिखावा करते ही है। लेखक कहते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी भारतीय परंपराओं का मूल्य कम हुआ है। हम लोग धीरे धीरे पश्चिमी देशों की गुलामी स्वीकार करते जा रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, फिर भी संसाधन का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। आखिर आलू के चिप्स, पिज्जा, बर्गर खाकर हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? यह सब दिखावा ही तो है, जिसे हम सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए खरीदते या खाते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति की वजह से समाज में ईर्ष्या का भाव बढ़ा है और हमारी भारतीय संस्कृति का भी विनाश हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे नैतिक मूल्यों में भी कमी आई है। गांधी जी के अनुसार हमें दूसरे लोगों के अच्छे आदर्शों और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि यह दिखावे की संस्कृति है। लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने के लिए अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों और जीवन के नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।